देश में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घोटाले का मुद्दा बीजेपी सरकार को काफी भारी पड़ने वाला है। जनता के बुनियादी सवालों से दूर जहां प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे गंभीर मुद्दे को दरकिनार कर धर्म, पाकिस्तान और चौकीदारी में उलझे हुए हैं, वहीं देश की जनता अपने इन बुनियादी सवालों को भूल नहीं रही है। यही कारण है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी को अपनी रैलियों के लिए स्थानीय लोग नहीं मिल रहे हैं। नागपुर के भगवान नगर में नितिन गडकरी की प्रचार सभा में, जहां स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, गायक सुखविंदर सिंह मौजूद थे, वहां 80% कुर्सियां खाली नजर आई। वादे पूरे करने में नाकाम रही बीजेपी का अब हाल ऐसा हो गया है कि रैलियों में जनता तो जुटाना दूर, अब जनता के सवालों पर नेता ही मैदान छोड़कर भागने लगे हैं। ऐसा ही एक वीडियो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया है, जिसमें बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं द्वारा सवाल करने पर सतना से बीजेपी के सांसद गणेश सिंह सवालों से बचने के लिए अपने प्रचार अभियान को छोड़कर भागते दिखाई दे रहे हैं। हुआ यूं कि प्रचार में गए बीजेपी सांसद गणेश सिंह से जब कुछ युवकों ने पूछा कि सर, इस क्षेत्र में इतनी फैक्ट्रियां हैं और आज तक हम लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया और चुनाव है तो आज आप आए हैं, जिसके जवाब में सांसद जी ने क्या कहा और कैसे भागने लगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। और हमारे यहाँ इतनी सारी फैक्ट्रियां वगैरह हैं, हम जितने सारे लड़के हैं सभी लोग बेरोजगार हैं। आज तक हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया और अभी आज चुनाव है तो आप वीडियो चलें दे ना, दिक्कत है नहीं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा एक को नहीं है। हम लोग कई बार गए, आप कितनी बार हमारे पास, कई बार फोटो बनाने के लिए बात करते हैं। नहीं फोटो नहीं, बात फोटो तो तुम बंद कर ले, बाकी बात की बात करते हैं।